एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से। रिहायशी इलाकों में 25 होटल, पीजी और बैंक्वेट हॉल सील कर दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई यहां पर सामने आई है। आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां होने पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। सील खोलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सेक्टर ओमेगा वन की अंसल गोल्फ लिंक वन सोसाइटी में बने हैं होटल, पीजी जिन्हें सील किया गया है। तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ये बड़ी कार्रवाई, 25 होटल और पीजी जिन पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कुछ बैंक्वेट हॉल को भी सील कर दिया गया है। सेक्टर ओमेगा वन की अंसल गोल्फ लिंक वन सोसाइटी में बने हुए हैं ये होटल और पीजी जिन्हें सील किया गया है। माना जा रहा है कि आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां होने को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। रेजिडेंशियल एरिया था लेकिन वहां पर बिजनेस चलाया जा रहा था और इसी के चलते इन पर कार्रवाई की गई है। 25 होटल, पीजी और बैंक्वेट हॉल सील कर दिए गए। तो देख सकते हैं आप कार्रवाई की तस्वीरें भी आपको लगातार न्यूज 18 दिखा रहा है। ग्रेटर नोएडा में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 25 होटल और पीजी, कुछ बैंक्वेट हॉल जिन्हें सील कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की ये बड़ी कार्रवाई। हिमांशु शुक्ला ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, कब ये कार्रवाई हुई और क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें, लगातार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को ये शिकायत मिल रही थी कि रेजिडेंशियल सेक्टर्स में कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, लिहाजा ये कार्रवाई शुरू की गई। और आपको बता दें, करीब 25 होटल और इसके अलावा जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, चाहे पीजी की बात हो या होटल की बात हो, कॉमर्शियल एक्टिविटी पर जो है वो सीलिंग की कार्रवाई की गई और सभी को चेतावनी भी दी गई कि अगर सीलिंग की कार्रवाई खोली गई तो आगे जो है कानूनी रूप से भी उनको बाध्यता करते हुए एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। जी, आप बने रहिएगा हिमांशु हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर हमने आपको बताई ग्रेटर नोएडा से। और अगली खबर नोएडा से। नोएडा जिला अस्पताल में शौचालय के वॉश बेसिन तोड़कर टोंटी यानी कि नल का चोरी कर लिया गया। सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल में कीमती टोंटी से और लोहे की फिटिंग यहां पर चोरी कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश की जा रही है। आरोप के मुताबिक उसने बाकायदा रेकी की थी और उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जांच शुरू कर चुकी है। हिमांशु, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए लगातार हमारे साथ। हिमांशु, क्या जानकारी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? माना जा रहा है कि जो एक्सपेंसिव यहां पर नल के इस्तेमाल किए गए थे वही जिला अस्पताल से चुरा लिए गए। देखिए, जाहिर तौर पे आपको बता दें, ये जिला अस्पताल जो है कोविड काल में बनकर तैयार हुआ था। इसकी लागत करीब 400 करोड़ रुपए थी और महंगी महंगी आइटम्स लगाए गए थे और इसके अलावा जो है बहुत ही खूबसूरती से ये अस्पताल बनाया गया था। लेकिन जब से यहाँ जिला अस्पताल शिफ्ट हुआ है और उसके बाद से लगातार चोरी की घटनाएं देखने को मिल रही है और अब जो बात सामने आई है उसमें वॉश बेसिन जो है वो टूटा हुआ है। उसके अलावा जो टोटी होती, जो लोहे की फिटिंग है, वो धीरे धीरे चोरी हो रही है। जैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट को खबर लगी है, सीसीटीवी देखा गया, तो बाकायदा रेकी करके इसको चोरी किया गया है और फिलहाल उस आदमी की तलाश की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके। लेकिन ये गंभीर मामला है। जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। जिला प्रशासन के, जिला अस्पताल के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और लगातार ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी टोटी चोरी की घटनाएं देखने को मिली थी। और लेकिन अब तो जो है लोहे की फिटिंग और इसके साथ साथ वॉश बेसिन तोड़ कर यानी डबल नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लिहाजा इस पर अंकुश लगाने को लगाना होगा ताकि इस तरीके की आगे भविष्य में देखने को मत मिले चोरियां। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। और अगली खबर गाजियाबाद से। छात्रा से गैंगरेप का आरोप लगा है। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हीरोइन बनाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, ऐसा आरोप लगा है। एक साल से शारीरिक शोषण का आरोप भी यहां पर लगाया गया है कि एक साल से उससे शारीरिक शोषण उसके साथ किया जा रहा था। अमित राणे इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, और क्या क्या गंभीर आरोप लगे हैं? छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है और दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
देखिए आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला मोदीनगर थाना क्षेत्र की कॉलोनी का है, जहां रहने वाली दसवीं क्लास की 17 वर्षीय छात्रा है, जिसने दो लोगों पर ये आरोप लगाया कि सोशल साइट पे उसकी पहले मुलाकात हुई, उसे हीरोइन बनाने का झांसा देने के बाद उसे होटल में ले जाकर उसके साथ नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, बार बार उसे हीरोइन बनाने के नाम पर कभी किसी डायरेक्टर से मिलाया गया, कभी किसी अन्य व्यक्ति से मिलाया गया, एक अन्य व्यक्ति द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कुल मिलाकर जो लड़की है उसका साफ तौर पर कहना यही है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद उसने इसकी इत्तला अपने परिजनों को दी। थाने पर परिजनों ने इसकी लिखित में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बीते एक साल से इस लड़की का शोषण उन दोनों लड़कों द्वारा किया जा रहा था और सोशल साइट्स के जरिए इन दोनों की मुलाकात हुई थी, और वहीं पर इस लड़की को हीरोइन बनाने का झांसा देकर एक साल से इसका शारीरिक शोषण किया जा रहा था और इस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था शारीरिक संबंध बनाने का भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अमित राणा। आगे बढ़ते हैं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर कार्रवाई की मांग की गई है, दिल्ली पुलिस से शिकायत भी की गई है, एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग की गई है। उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने के मामले को लेकर कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, टीएमसी सांसद पर कार्रवाई की मांग की गई है और कल्याण बनर्जी जिन पर आरोप ये लगे हैं, उपराष्ट्रपति का मजाक उन्होंने उड़ाया, जिसकी एक वीडियो भी आप देख रहे हैं। कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उनकी तरफ से ये जो हरकत करते हुए एक वीडियो सामने आया, उसके बाद दिल्ली पुलिस से शिकायत की गई है, लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के हंगामे पर रिकॉर्ड तोड़ निलंबन हुआ, जिसके बाद संसद के बाहर से जो तस्वीर सामने आई वो किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा चेयरमैन की मिमिक्री कर रहे थे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, जिस पर जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई, तो पीएम मोदी ने भी विपक्ष की हरकत को निशाने पर लिया। मुद्दा संसद में चूक का था और गुस्सा सड़क से सदन के अंदर तक, विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे और स्पीकर एक एक कर विपक्षी सांसद को निलंबित करते रहे, और एक वक्त ऐसा आया जब लोकसभा से 95 जबकि राज्यसभा से 46 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया, और फिर जो तस्वीर सदन के बाहर से आई वो किसी को भी हैरान परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि निलंबित सांसद देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने लगे और उनकी मिमिक्री करने लगे। हैरानी की बात तो ये है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा चेयरमैन की मिमिक्री कर रहे थे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे, जिस पर उपराष्ट्रपति ने आपत्ति जताई। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे, आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो, मैं तो यही कह सकता हूं सद्बुद्धि आई। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी संसद में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों के लिए बड़ी बात कह दी और कहा कि निलंबन से जो सीटें खाली हुई हैं वो 2024 के बाद बीजेपी सांसदों से भर जाएंगी। पार्लियामेंट इंसिडेंट के बारे में उन्होंने कहा, जो भी व्यक्ति डेमोक्रेसी में प्रजाप्रभुत्व में उनका विश्वास है, इसको घोर खंडन करना था, हम सब मिलकर उसको खंडन करना था, लेकिन कुछ पार्टियां जो अभी हुए चुनाव का नतीजे से निराश होके हताश होके, तो इसके बारे में एक तरह इसके
समर्थन का भाषा जो उपयोग कर रहे हैं, ये तो इट इज मोर डेंजरस। जो एक्ट हुआ है उससे ही कंसर्न, उतना ही कंसर्न इस भाषा का है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। तो वहीं सांसदों के निलंबन को भी विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी स्पीकर के एक्शन से टेंशन में हैं और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की। लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा MP सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहां हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे MPs को सस्पेंड किया, इट इज अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब साफ है, सदन में हंगामा तो झांकी है, अभी चुनाव में कुछ महीने बाकी है। तब तक कितने रंग दिखेंगे, कितने विवाद होंगे, कितने वीडियो बनेंगे, कितने रिकॉर्ड बनेंगे, इसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सभापति जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आज बस्ती और गोरखपुर का दौरा है। गोरखपुर में क्षेत्र के सभी 12 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बस्ती और गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ भी JP नड्डा के साथ मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में होने वाली बीजेपी की बैठक में क्षेत्र के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे। गोरखपुर NXC भवन में होने वाली बैठक में JP नड्डा पार्टी कार्यकर्ताओं को गोरखपुर क्षेत्र की सभी 13 सीटें जीतने का टास्क देंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सुबह 11:45 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बस्ती के बाद नड्डा शाम को 4:45 पर गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सभी कार्यक्रमों में CM योगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहेंगे। यूपी में खेल महाकुंभ की अब बात करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का आज बस्ती में खेल महाकुंभ का आगाज करने के लिए JP नड्डा पहुंचेंगे और बस्ती में शुरू हो रहे सांसद खेल महाकुंभ में गांव से आने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मंच मिलेगा। JP नड्डा का दोपहर 12:35 पर शहीद सत्यवान स्टेडियम पहुंचने का कार्यक्रम है और इसके बाद नड्डा बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल पेश कर दिए। CRPC, IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा के पटल पर रखा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये बिल आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए लाए गए। आज अमित शाह लोकसभा में इस पर जवाब देंगे और फिर वोटिंग होगी। बिल के पास होने पर इन बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद बिलों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन होते ही ये 3 बिल कानून बन जाएंगे। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।